तो यहाँ हम एक बात करने जा रहे हैं, जैसे कि मेरे पास डेटा है और डेटा यहाँ पे चेक में, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सबके डेटा फिल्टर होके आ जाए। तो इसके लिए कुछ खास नहीं, हमारे पास फिल्टर का फॉर्मूला होता है। हम यहाँ फिल्टर का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और मैंने यहाँ इंक्लूड में लगाया। आगे चल के आपको फिल्टर का फॉर्मूला मैं समझाऊंगा कि फिल्टर का फॉर्मूला होता क्या है। फिलहाल मेरा फिल्टर फॉर्मूला मेन टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक है कि जैसे हमने यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला लगा दिया, डेटा कुछ ज्यादा है तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कुछ कम कर देता हूँ डेटा यहाँ से। अब देख पा रहे हैं ना डेटा हमारा। अब पूजा के जगह पे मैं यहाँ पे अगर रवि लिख दिया, ये रवि का डेटा आपको दे देगा, दे दिया। अब जैसे देखिए आज 24 तक है, ठीक है, मैं यहाँ पे ओम डाला तो ओम का रिपोर्ट भी आपका या 24 तक। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई डेटा कम हो और कोई डेटा ज्यादा, क्या तो फॉर्मूला कौन सा लगा सर? फिल्टर का फॉर्मूला लगाया? फिल्टर का फॉर्मूला लगाया, आगे बताऊंगा फॉर्मूला। बट हमारा फॉर्मूला हमारा मेन नहीं है, मेरा मेन पर्पस है कि मैं यहाँ पे जैसे पूजा टाइप किया, तो पूजा टाइप करते ही देखिए पूजा का रिकॉर्ड 32 तक आ गया। आ गया। अब मैं यहाँ पे रवि देता हूँ तो रवि के रिकॉर्ड 21 तक है, ओम देता हूँ तो ओम का रिकॉर्ड 22 तक है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पूजा टाइप करूंगा तो मेरा बॉर्डर से बाहर चला गया। क्या सर प्रॉब्लम दिख रही है ना आपको? पूजा हाँ, क्योंकि पूजा का ज्यादा है डेट। तक जाना है ना मैं, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और यहाँ जाते हैं न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया A6 को, ब्लॉक इक्वल करते हैं यहाँ पे, इक्वल A6 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो क्या करें, फॉर्मेट अप्लाई या बॉर्डर अप्लाई करें, और कुछ हमने नहीं किया, एन ओके कर। और यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर से इसको लिया और नीचे तक एक संभावित लोकेशन जहां तक डेटा हो सकती थी वहां तक मैंने इसको दे दिया। अब मैं यहाँ पे नाम इंदा डालता हूँ, देखिए बढ़ गया ना सर, हम डालता हूँ, घट गया। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग। देखिए मतलब कि आपके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फॉर्मेट जनरेट हो जाएगा, समझे? जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक चीज और करते हैं कि मैं यहाँ पे वीक सेलेक्ट करता हूँ, वीक पिक वन, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली डेट आ जाना चाहिए 7 दिन का। अब यहाँ पे एक दिक्कत होता है कि वीक जो होता है ना सर, कोई भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो मंडे टू सैटरडे चलती है, राइट, लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन कुछ होते हैं कि 8-8 दिन का गैप होता है कि 1 से लेके 8, 7 चलेगा, फिर 8 से लेके 14 चलेगा, फिर 15 से लेके 21 चलेगा, ऐसा भी होता है। तो फिलहाल हम यही चीज सब लेते हैं 15 से 21 वाला। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि महीना कौन सा चल रहा है, महीना चल रहा है मई का, तो हमने इसको सेलेक्ट किया कॉनकेट फॉर्मूला की मदद से, हमने मई लगा दिया, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। इससे क्या हो गया कि हमारा 1 दिन आ गया, ओके। अब मैं यहां पे सिंपल सा करना चाहता हूं, ए मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे प्लस प्लस
मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 1। टेस्ट एंड आ गया ना, -6 होगा, -1 ये -6। एक में आ गया, अब इसमें आप कर दीजिए +1। और 7 दिन तक का गैप आप दे दीजिए। ठीक है। अब यहां पे मैं 2 लिखूंगा तो ऑटोमेटिक 8 से 14 आ गया, 3 लिखूंगा ऑटोमेटिक 15 से 21 आ गया, समझे? क्लियर है सर? हाँ सर। तो इस तरह से हम वीक का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ जैसे कोई सैटरडे या संडे आए तो हाईलाइट हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला और टेक्स्ट में जो कंडीशन कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया है ना उसका यूज कर लेते हैं और इसको आर कर देते हैं। ठीक है। अब कलर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि पूरा नीचे तक कलर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, न्यू यहाँ पे न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला और यहाँ पे इक्वल हम ऊपर को सेलेक्ट करेंगे, ए इक्वल टू एस यू एन संडे है, E6 का हमने बी बी सिक्स है ना, बी को डॉलर साइन हटा देते हैं एंड फॉर्मेट पेंटर फिल कलर दिया देन ओके देन ओके एंड फॉर्मेट पेंटर से हम यहाँ पे पेंट कर देते हैं, समझे? अब मैं 2 कंडीशन है, तुमने क्या बताया था और बताया था ना आपको सर, सेम बी डॉलर 6 इक्वल टू सैटरडे, ये ऑटोमेटेड फॉर्मेट आ जाता है। इसी तरह से आप अटेंडेंस का भी ऑटोमेटेड फॉर्मेट बना सकते हो, राइट सर? तो बहुत सारे फॉर्मेट है आप यहाँ पे, बहुत सारे फॉर्मेट, आपको अगर हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आप गूगल पे जाइए रिपोर्ट फॉर्मेट, इमेज पे जाइए, बहुत सारे रिपोर्ट फॉर्मेट आपको यहाँ मिल जाएगा और इन एक्सेल बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पे देखिए, ठीक है? इस फॉर्मेट को भी अटेंड, ये आपका कंप्लीट टैक्स समरी रिपोर्ट है, दिख रहा है? इस तरह के फॉर्मेट आप क्रिएट कर सकते हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे देखिए, डेली स्टॉक रिपोर्टिंग टेम्पलेट दिख रहा है? ये सब ऐसी जो फॉर्मेटिंग है बना सकते हैं और इस फॉर्मेटिंग के ऊपर आप इसको चार्ट कर सकते हैं। यह आ गया डेली कैश रिपोर्ट, ठीक है सर? इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। ओके यस सर, कल सुबह मॉर्निंग में हम मिलते हैं।